हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजर पेंट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 17 मई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बजर पेंट्स में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन बजर पेंट्स में हमें जो है देखने मिला है एक बड़ा यहाँ पे 3.47% का एक डाउन साइड। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 633.70 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिला है। कैंडल यहाँ पे बहुत ही बड़ी बनती हुई देखने मिल रही है, दोनों के साइड में हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे आरएसआई की, 27-28 के आसपास जो हमारा आरएसआई मतलब ओवरसोल्ड एरिया में जो करंटली हमारा आरएसआई आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोर इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है हमें यहाँ पे जरूर थोड़ा सा और डाउन साइड जो मूवमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे करंटली अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में हमें डाउन साइड मूवमेंट 622 तक जरूर आते हुए देखने मिल सकते, फिर वहां से हमें एक अपसाइड मूवमेंट का जो है यहाँ पे एक इशारा देखने मिल सकता है और अपसाइड मूवमेंट ज्यादा नहीं लेकिन 653 तक इजीली हमें देखने मिल सकता है। तो इस चीज का आप जरूर जो है ध्यान में रखें। बाकी करंटली स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप स्टॉक में कॉशियसली काम करें। जब भी शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी है जरूर जो है उसको ग्रैब करें, बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो कॉशियसली काम करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल यहाँ पे नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन अगर आप ऑन नहीं करोगे तो यहाँ पे आप जो मिस कर बैठोगे हमारा ये जो है 4 स्टॉक्स का एनालाइज जो यहाँ पे हम नेक्स्ट डे क्या होने वाला है उस बारे में बता, साथ ही साथ आने वाले दिनों का यहाँ पे आपको जो हिंट भी देते दे। जरूर जब उसको देख ले। बाकी यहाँ पे आप जाते हैं और हमारे 1 आवर के चार्ट में देखते स्टॉक में कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं अपसाइड में जरूर यहाँ पे कुछ सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन जो वो मार्क्ड है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो है हमें थोड़ा सा डाउनसाइड के लिए भी जो मार्किंग्स जरूर करके रखनी है। तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप भी जो जरूर सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो है मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग्स जो वो आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है यहाँ पे मेंटेन करने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो नीचे के साइड में भी थोड़ा सा मैं मार्किंग जो है वो कर लेता हूँ, तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा जरूर जब अपने चार्ट में भी करके रख लें। अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो नहीं देखा तो मैं जरूर यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो देख ले, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से हमें हेल्प करती है हमारा एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में वो हमें पता चलता है और साथ ही साथ हमारा एक डिसीजन जो वो क्लियर करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे चले जाता हूँ ताकि यहाँ पे मैं आपको जो है किस तरह से हमें जो मूवमेंट देखने मिल रहा था उस स्टॉक में किस तरह से डाउनसाइड मूवमेंट जो है हमें बहुत ज़्यादा ही नीचे आ चुका था, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे का जो है यहाँ पे डेटा को यूज़ करूँगा ताकि यहाँ पे हम अच्छी तरह से कभी भी स्टॉक जो उस रेंज में आए तो हम जो है उसकी मदद से अच्छी तरह से अपना ट्रेड जो है एक ले पाए। तो यहाँ पे अब मार्किंग जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ज़रूर जो आप अपने चार्ट में सेम टू सेम मार्किंग जो है वो कर ले। बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा था वो यहाँ पे मैंने आई बटन में ऐड करके रख दिया है, जरूर जब उसको भी देख ले और यहाँ पे अच्छी तरह से जो अपना वहाँ पे ट्रेड भी ले। अब मार्किंग्स जो है हमारी हो चुकी है, बात यहाँ पे सीधा करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम करके दोनों साइड का हमें जो है यहाँ पे डेटा देखने मिले कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 633 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ।
633.70 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे था 631.10 का, डायरेक्ट रेशियो यहाँ पे बनता है 639.55 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशियो का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले यहाँ पे कल के दिन, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है, तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 626.50 का, उसके बाद क्या आता है 621 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 650.50 का, उसके बाद क्या आता है 658.90 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेस पे यहाँ पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में जरूर 639.55 से लेके 650.50 के बीच में क्लोजिंग का है, मतलब एक पॉजिटिव साइड में हमें लगता है कल के दिन स्टॉक में जरूर क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।